हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज कुमार तिवारी। आपको स्वागत है जय हो फैंटेसी चैनल में। आज हम बात करने वाला CCL वर्सेस SP टीम के बारे में। मैच स्टार्ट होने में अभी भी 10 आवर्स 4 मिनट्स हैं। इंडिया का टाइम का आंसर देखा जाए तो आज रात 9:30 बजे को मैच स्टार्ट होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उससे पहले पिच के बारे में बात करें तो ये पिच बैटिंग के लिए अच्छा सपोर्ट करेंगे, और एवरेज स्कोर के बारे में बात करें जाए तो 120 से 130 का बीच में स्कोर बनेगा, और पिच स्पिन बॉलिंग के लिए अच्छा सपोर्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर बाय मिस्टेक डिस्क्रिप्शन से मेरे टेलीग्राम चैनल शो नहीं होता तो आप टेलीग्राम में जाके @jhofantasy सर्च करते ही मेरा टेलीग्राम चैनल शो हो जाएगा। इस तरह सर्च करते ही मेरा टेलीग्राम चैनल शो हो जाएगा @jhofantasy करके। कुछ बंदे ने मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम से फेक अकाउंट बनाया दोस्तों, आप उसमें भूल से भी ज्वाइन मत करना। इस दोनों अकाउंट में भूल से भी ज्वाइन मत करना, आपको ये फेक टीम देगा, ये फेक अकाउंट भी है जिसमें आपको 1073 सब्सक्राइबर्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें वायलेट कलर का JF है दोस्तों, उसी पर आप ज्वाइन करना। इसी तरह मैं आपको फाइनल टीम दूंगा लाइनअप अनाउंस होने के बाद। जो मैं आपको टीम दूंगा हेड टू हेड 3 स्पॉट 4 स्पॉट और 5 स्पॉट्स में ट्राई करेंगे तो 100% विन होंगे। अब तक आपका जितना लॉसेस हुआ वो मेरे टेलीग्राम चैनल कवर करवा देगा, इसीलिए मेरे टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको भी इसी तरह विन करना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको माई मास्टर 11 में खेलेंगे दोस्तों तो माई मास्टर 11 एक न्यू ऐप है दोस्तों, इसमें लो कॉम्पिटिशन होता है और आप मनी इजीली अर्न कर सकते हैं। माई मास्टर 11 का लिंक ए दोस्तों क्लिक करते ही शो हो जाएगा, आप तुरंत डाउनलोड कर लेना। चलिए दोस्तों, लेट नहीं करते हैं, वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। पहले विकेट कीपर के बारे में बात करा जाए तो मैंने 2 विकेट कीपर को पिक करूँगा, डी रामडेन को और ए अल्फ्रेड को। दोस्तों मैंने 2 विकेट कीपर को पिक किया दोस्तों, दोनों विकेट कीपर बहुत इंपॉर्टेंट विकेट कीपर है, दोनों को आप 100% पिक कर लेना। दोनों विकेट कीपर का लास्ट मैच के स्टैट्स के बारे में बात करें जाए तो डी रामडेन के बारे में बात करें जाए तो डी रामडेन ने लास्ट मैच में 34 बॉल्स पर 79 रन्स मारे दोस्तों, कमाल का बैटिंग किया दोस्तों लास्ट मैच में 34 बॉल्स पर 79 रन्स। और ए अल्फ्रेड को लास्ट मैच में बैटिंग में तो चांस नहीं मिला था दोस्तों, लेकिन दोनों विकेट कीपर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप दोनों को 100% पिक कर लेना। अब बैट्समैन में देखा जाए तो मैंने टी कास्ट्रो को पिक करूंगा और ए कॉपर को, जे बोटन को, मैंने 3 बैट्समैन को पिक किया दोस्तों, तीनों बैट्समैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैट्समैन, अब तीनों को 100% पिक कर लेना। टी कैस्ट्रो के बारे में बात करें जाए तो टी कैस्ट्रो ने लास्ट मैच में 1 बॉल पर 0 रन दोस्तों लास्ट मैच में डकआउट हो गया दोस्तों, लेकिन 2 ओवर डाल के 1 विकेट भी लिया दोस्तों, कमाल का बॉलिंग करता था दोस्तों लास्ट मैच में 2 ओवर डाल के 1 विकेट दोस्तों। इनका पॉइंट भी देख सकते दोस्तों 545 पॉइंट्स है दोस्तों, कमाल का बैट्समैन है, आप इनको 100% पिक कर लेना। मैंने बैट्समैन में 3 ही बैट्समैन को पिक किया दोस्तों, लेकिन तीनों बैट्समैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैट्समैन है, आप तीनों को 100% पिक कर लेना। और ये कॉपर के बारे में बात करें तो ये कॉपर ने लास्ट मैच में 2 ओवर डाला था दोस्तों, 2 ओवर डाल के 0 विकेट लास्ट मैच में कॉपर को, तो बैटिंग में तो चांस नहीं मिला था दोस्तों, लेकिन बॉलिंग किया था दोस्तों 2 ओवर डाल के 0 विकेट। और जे बॉटन के बारे में बात करें तो जे बॉटन ने लास्ट मैच में 5 बॉल खेला था दोस्तों, 8 रन, बॉटन लास्ट मैच में 8 ही रन मार पाए दोस्तों, लेकिन ये तीनों बैट्समैन लास्ट मैच में इतना अच्छा बैटिंग नहीं किया दोस्तों, लेकिन तीनों बैट्समैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैट्समैन है, तीनों बैट्समैन को आप 100% पिक कर लेना। अब ऑलराउंडर्स में देखा जाए तो मैंने टी हिंदूस को पिक करूँगा और जे गोलिया को और आई जे अल्फ्रेड को दोस्तों। पूरा मैंने 3 ऑलराउंडर्स को पिक किया दोस्तों, तीनों ऑलराउंडर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर्स दोस्तों, तीनों ऑलराउंडर्स को आप 100% पिक कर लेना। तीनों ऑलराउंडर्स का लास्ट मैच का स्टैट्स के बारे में बात करें तो टी हिंदूस ने लास्ट मैच में 22 बॉल्स खेला था दोस्तों, 16 रन्स मारे और 2 ओवर डाल के 1 विकेट भी लिया दोस्तों, 16 रन्स प्लस 2 1 विकेट लिया दोस्तों, कमाल का ऑलराउंडर दोस्तों टी हिंदूस को 100% पिक कर लेना। और जे गोलिया के बारे में बात करें तो जे गोलिया ने लास्ट मैच में 1 बॉल पर 1 रन मारे दोस्तों, 2 ओवर डाल के 1 विकेट मिला दोस्तों, कमाल का ऑलराउंडर दोस्तों जे गोलिया को भी आप 100% पिक कर लेना। और जे अल्फ्रेड के बारे में बात करें तो जे अल्फ्रेड ने लास्ट मैच में इनको बैटिंग में भी चांस नहीं मिला दोस्तों और बॉलिंग में भी नहीं, लेकिन मैंने तीन
ऑलराउंडर को पिक कर दोस्तों। तीनों ऑलराउंडर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से आप तीनों को 100% पिक कर लेना। आप बॉलर्स बॉलर्स में देखा जाए तो मैंने आई खान को पिक करूंगा और के सिंह को, एस लिविस को दोस्तों। पूरा मैंने तीन बॉलर्स को पिक कर लिया, तीनों बॉलर्स वेरी इंपॉर्टेंट बॉलर्स है दोस्तों। तीनों बॉलर्स का लास्ट मैच का स्टैट्स के बारे में बात करा जाए तो आई खान ने लास्ट मैच में 2 ओवर डाल के 1 विकेट लिया दोस्तों। कमाल का बॉलिंग किया था दोस्तों लास्ट मैच में, 2 ओवर डाल के 1 विकेट लिया है आई खान ने। और के सिंह के बारे में बात करें तो के सिंह ने लास्ट मैच में 2 ओवर डाला था दोस्तों और 2 विकेट लिए हैं। के सिंह भी कमाल का बॉलिंग किया दोस्तों, लास्ट मैच में 2 ओवर डाल के 2 विकेट लिया। और एस लिविस के बारे में बात करें तो एस लिविस ने लास्ट मैच में 2 ओवर डाल के 0 विकेट। लिविस को लास्ट मैच में विकेट तो नहीं मिला दोस्तों, लेकिन लिविस भी एक इंपॉर्टेंट बॉलर है। मैंने तीन बॉलर्स को पिक किया दोस्तों, तीनों बॉलर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर विकेट कीपर में देखा जाए तो मैंने 2 विकेट कीपर को पिक किया, बैट्समैन में देखा जाए तो मैंने 3 बैट्समैन को पिक किया, और ऑलराउंडर्स में देखा जाए तो मैंने 2-3 ऑलराउंडर्स को पिक किया, बॉलर्स में देखा जाए तो मैंने 3 बॉलर्स को पिक किया। पूरा मैंने 11 प्लेयर्स को पिक कर लिया, उनका स्टैट्स भी बता दिया। अब कप्तान वाइस कैप्टन के बारे में बात करा जाए तो मैंने कप्तान में बनाऊंगा टी कैस्ट्रो को, और वाइस कैप्टन के बारे में बात करा जाए तो जे गुलिया को। दोस्तों एक बार मेरे टीम को देख लीजिए, मैंने विकेट कीपर में 2 विकेट कीपर को पिक किया दोस्तों, दोनों विकेट कीपर बहुत इंपॉर्टेंट है, डी रेडियम को और एल अल्फ्रेड को। और बैट्समैन में देखा जाए तो मैंने 3 बैट्समैन को पिक किया जैसे जे बोटान को और टी कैस्ट्रो को और ए कॉपर को। और ऑलराउंडर्स में देखा जाए तो मैंने 3 ऑलराउंडर्स को पिक किया, जे गोलिया, टी हिंदूस और जे अल्फ्रेड को। और बॉलर्स में देखा जाए तो मैंने 3 बॉलर्स को पिक किया, आई खान, के सिंह और एस लिविस को। दोस्तों मैंने कप्तान में बनाया टी कैस्ट्रो को और वाइस कैप्टन में जे गुलिया को। दोस्तों मेरा कोई फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको लाइनअप अनाउंस होने के बाद मेरे टेलीग्राम में मिलेगा, इसीलिए मेरे टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जो आपको ये टीम दिखाई दे रहे हैं आप स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल लीग हेड टू हेड 3 स्पॉट 4 स्पॉट और 5 स्पॉट्स में आप 100% विन होंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और लाल वाला घंटी को जरूर दबाना। थैंक यू।